दोस्तों कांतारा एक फिल्म नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है और ये बात सभी लोग मानते हैं। ये फिल्म ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आई है और कांता ने अब तक वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ से भी ऊपर कमाई कर ली है। तो दोस्तों ये फिल्म इतनी खास है और इसीलिए हम आपको कांतारा के कुछ ऐसे अनबिलीवेबल फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जो शायद ही आपको पता होंगे। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों फिल्म में दिखाए गए भूतकोला के सीन्स को लोग कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये सभी सीन ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट नहीं किए हैं। ऋषभ शेट्टी जब भूतकोला करते हैं तो तभी वो डायरेक्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका हेवी मेकअप और उस गेटअप में आने वाली डिवाइन फीलिंग, इसकी वजह से उन्होंने राज शेट्टी की हेल्प ली। राज शेट्टी भी एक बेहतरीन एक्टर और डायरेक्टर है। इन दोनों ने भी गरुड़ा गमना में एक साथ काम भी किया है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों कांतारा में जो गाँव हमें दिखाया जाता है वो कोई असली गांव नहीं है, इसे शूटिंग के लिए स्पेशली बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसे सच मानने में थोड़ी परेशानी हो सकती है क्योंकि ये गांव कितना रियल लग रहा था। दोस्तों ये गांव बनाने के लिए 2 महीने लगने वाले थे मगर बारिश की वजह से इसे बनने के लिए 6 महीने लगे। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों ऋषभ शेट्टी ने एक इंटरव्यू में बताया कि ये पूरी फिल्म बनाते वक्त उन्हें एक दैवी शक्ति सपोर्ट कर रही थी, ऐसा उन्हें फील हो रहा था क्योंकि उन्हें ये फिल्म बनाते वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि ये फिल्म वो जरूर कंप्लीट करेंगे और ये मूवी लोगों को पसंद भी आएगी। और दोस्तों वैसा हुआ भी। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों कांतारा को थिएटर में बहुत लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस मिला और कुछ लोगों ने एक डिवाइन एनर्जी को महसूस भी किया। ऐसी ही एक घटना हमें मैंगलोर के थिएटर में देखने को मिली जहां पर एक मूवी देखते वक्त जोर जोर से चीखने लगी और दोस्तों ये न्यूज में भी आया था, मतलब अमेजिंग। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों हम ये तो जानते हैं कि कांतारा को ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्ट किया है लेकिन इस फिल्म में उनकी पत्नी प्रगति शेट्टी ने भी काम किया है। जी हाँ दोस्तों, वो एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर है और उन्होंने कांतारा मूवी के सभी किरदारों की वेशभूषा डिजाइन की है। इसमें उन्हें बहुत सारा रिसर्च करना पड़ा लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों हमें इस फिल्म में भैंसों की रेस दिखाई देती है, उसे कंबाला कहा जाता है और कांतारा का ये सीन बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसमें हीरो ऋषभ शेट्टी की एंट्री थी। तो दोस्तों हम आपको बता दे कि ये रेस देखने में जितनी आसान लगती है उतनी ही डिफिकल्ट है शूट करने के लिए और ऋषभ शेट्टी ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाने के लिए 1 महीने की प्रैक्टिस की। दोस्तों ये सीन करते वक्त उन्हें काफी चोट भी आई लेकिन उन्होंने उस पर मेहनत करके ये अमेजिंग सीन शूट किया। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों कांतारा की जो हीरोइन है उनका नाम है सप्तमी। दोस्तों हम आपको बता दे कि ये उनकी पहली फिल्म है लेकिन उन्होंने क्या जबरदस्त एक्टिंग की है। गांव की एक साधारण सी लड़की का रोल इतने बेहतरीन तरीके से निभाना और वो भी पहली बार, इससे पता चलता है कि उनकी एक्टिंग स्किल कितनी अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों कांतारा मूवी की जो स्टोरी है उसमें नेचर के साथ छेड़खानी और दैवी शक्ति के बारे में बताया गया है और खासकर इसमें दिखाए गए भूतकोला के सीन की वजह से इस फिल्म को कोई भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि ये सब्जेक्ट कोई नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर देगा और इसीलिए ऋषभ शेट्टी ने तय किया कि वो खुद ही इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस करेंगे। और दोस्तों अब सब कांतारा का डंका देख ही रहे हैं। 16 करोड़ के बजट में बनी ये कांतारा फिल्म आज कहां से कहां, मतलब 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर चुकी है। तो दोस्तों कांतारा के ये अमेजिंग फैक्ट आपको कैसे लगे और इनमें से कौन सा फैक्ट आपको पहले से ही पता था, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।